स्वागत है आप सभी का सिनेफ्लेक्स के एपिसोड 5 के अंदर, जहां आज के इस एपिसोड के अंदर अपन पठान 2 मूवी से लेके कल की 2898 एडी से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। इसके साथ अपन बात करेंगे भाईजान की अगली मूवी के बारे में, जिसके बारे में रूमर्स काफी टाइम से आ रहे थे। सबसे पहले पठान 2 मूवी की बात करें तो जो YRF का स्पाई वर्स को लेके पहले वाला प्लान था, उसके हिसाब से 2025 में यानी कि अगले साल वॉर 2 आनी थी, फिर उसके बाद 2026 में हमें टाइगर वर्सेस पठान देखने को मिलती। पर अब उस प्लान में एक चेंज आ चुका है, जहां वॉर 2 के बाद हमें एक और मूवी देखने को मिलेगी जो कि है पठान 2। रूमर्स के अकॉर्डिंग ये मूवी बहुत जल्दी प्रोडक्शन में जाने वाली है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये 2025 के एंड में या फिर जनवरी के अराउंड 2026 में रिलीज हो सकती है। एंड सिंस हमें शाहरुख खान विमेन आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में दिखे थे, तो उन्होंने अपने बाल लंबे कर रखे थे, तो हो सकता है कि वो पठान मूवी के लिए अपने बाल लंबे कर रहे हो, जो कि इंडिकेट करता है कि शायद से पठान 2 की शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली है। अब इस चीज के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि डंकी के बाद जो शाहरुख खान की मूवी सुहाना खान के साथ आने वाली थी उसका कोई या था पता नहीं, तो इसका चांस बहुत ज्यादा हाई है कि वो पठान 2 की शूटिंग में लग गए हों। इसके बाद तबू, करीना कपूर और कृति सनन की एक न्यू मूवी क्रू को अनाउंस कर दिया गया और इस मूवी से रिलेटेड काफी सारे पोस्टर्स भी रिलीज किए गए। इन पोस्टर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद बात करें इंडियन सिनेमा के नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट की, जो कि अप्रॉक्स 3 या 4 साल बाद आने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ महेश बाबू और SS राजामौली की कोलैबोरेशन SSMB 29 के बारे में। ये मूवी अपने बहुत अर्ली डेवलपमेंट फेज पे है और इसको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। एंड इस मूवी से काफी हैवी रूमर्स आ रहे थे कि इस मूवी का नाम महाराजा हो सकता है। अभी रूमर कितना सही है कितना गलत है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन SS राजामौली ने महेश बाबू को 3 साल तक कोई भी एड करने से मना कर दिया है। जब तक मूवी के प्रमोशन न चालू हो जाए तब तक वो किसी भी एड में अपियर नहीं हो सकते, किसी एड को नहीं कर सकते। प्रोबेबली SS राजामौली महेश बाबू के लुक को रिवील नहीं करना चाहते मूवी से पहले, जो कि एक अच्छी बात है के लिए। बट भाई महेश बाबू के फैंस के लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि अब अगले 3 साल तक वो महेश बाबू को किसी भी मूवी में नहीं देखेंगे। खैर अब बात करते हैं अपने इंडियन सिनेमा की नेक्स्ट बिग बैड प्रोजेक्ट यानी कि कल की 2898 एडी के बारे में बात कर ले। तो कल शाम को इस मूवी से एक 7 सेकंड का बिहाइंड द सीन वीडियो कह सकते हो, जहां पे हमें प्रभास का पैर दिखा गया। लिटरल वो गाने पे वाइब्सा कर रहे होते हैं और उस पैर ने भाई ट्विटर पे आग लगा दी है और पूरे ट्विटर पे जो कल की 2898 एडी ट्रेंड हो रहा है ओवर 50,000 ट्वीट्स के साथ। एंड इस वीडियो के साथ मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि वो 9th मई को ही आएंगे सिनेमाज में, क्योंकि बहुत से ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे थे कि मूवी की शूटिंग अभी चल रही है तो प्रॉब्ली ये मूवी फिर से डिले हो जाए, बट मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि वो 9th मई को ही आने वाले हैं। ये जो 7 सेकंड का वीडियो था इसके अंदर एक सॉन्ग भी प्ले हो रहा होता है एंड प्रॉब्ली इस सॉन्ग के अंदर अपने को प्रभास डांस करते हुए दिख सकते हैं स्क्रीन से काफी टाइम बाद, जहां मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हमने उन्हें साहो मूवी में डांस करते हुए देखा था, तो काफी टाइम बाद वो हमें स्क्रीन पे डांस करते हुए दिखेंगे। एंड ये कोई रूमर नहीं है, ये चीज ऑफिशियली कंफर्मड है। एंड इसी के साथ इस मूवी का जो टीजर है वो मोस्ट प्रोबेबली 8th मार्च को ड्रॉप हो सकता है, जिसकी ड्यूरेशन 2 मिनट 2 सेकंड होगी। हालांकि अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं। एंड एट द एंड भाईजान की एक और मूवी अनाउंस हो चुकी है, जिसके डायरेक्टर होने वाले हैं उनके भाई सोहेल खान। उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये कहा कि वो सलमान खान के साथ एक जंगल एडवेंचर मूवी ऑलमोस्ट 7-8 साल से बनाना चाहते थे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो अपनी स्टोरी को लेकर श्योर नहीं थे, लेकिन अब वो श्योर है अपनी स्टोरी को लेकर एंड ये मूवी अगले साल से डेवलपमेंट में जाने वाली है। एंड उन्होंने ये भी रिवील किया कि ये कोई नॉर्मल मूवी नहीं होगी, एक बिग बजट और हैवी वीएफएक्स के साथ जंगल एडवेंचर मूवी निकालेंगे वो। आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में, क्या सोहेल खान सच में इतना बड़ा प्रोजेक्ट पुल आउट कर पाएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। मेरा नाम है अभी एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।